आज गुवाहा में पंचायत क्या बातचीत हुई है गढ़वाला का? दोनों चौधरी एक साथ देखे गए पंचायत तो जगह जगह 5 तारीख की उसमें चली गई और उसमें सब तो बड़ी खुशी की बात है। आज चौधरी राजेंद्र सिंह जी वे भी आज सभी एक मंच पर आ गए, तो जो किसी को भरम था मन में बहम था किसी को तो वो भी निकल गया, सब ठीक है, सब अच्छी तरह था वहाँ जाऊँ। और गठवाड़े का चौधरी राजेंद्र सिंह का पहले तो सहयोग रहा, पूरा सहयोग रहा, उसमें हर टाइम तैयार रहे और किसी भी दुख सुख में बड़े टिके साहब के साथ में भी चौधरी हरकिशन जी सीताराम जी सब साथ चले थे। और हो जा बड़ा परिवार है, कुछ हो जाती होगी थोड़ी मोटी हो जा किसी को किसी बात पे और समाधान हो जा, कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। हो सके हमारी भी कहीं भूल चूक होती होगी उनकी भी होगी होगी, तो एक तालमेल खा कि बढ़िया से ठीक है, पर कोई या कोई वो नहीं रहा। अच्छा बीजेपी का आज एक विधायक है जिस गांव में बैठे थे वहाँ के सामने भी रोक किया काले झंडे दिखाई दे, नहीं ये तो हम पहले तो ही कहते आ रहे भाई तुम फरेज आपको जाने थे जी, इतने आसी ये बोर्ड पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा तो जी तुम फरेज रखो भाई, फिर आना जाना भी होगा, फिर सब रहे ठीक है, मैं भी अपने परिवार के जो भाजपा के पर जी वहाँ से वो चल रहा तो मैं परहेज रख के जाने का और इस तरह का कदम ना उठावे जहाँ रोज झेलना पड़े काले झंडे दिखाए जाए, तो कुछ नहीं जो प्रोग्राम है वो कैंसिल कर दो, कोई उन्हें अच्छी तरह तो बुला ही नहीं रहा। 9 महीने 3 दिन हो गए आज ये धरना प्रदर्शन को और इस बीच में जो विधायक हैं जा तो विरोध तो होगा, तो उस तरह फरेज ही रख लो तो जी भी अच्छी बात है। नहीं ऐसा तो नहीं है ये इस तरह का जो विधायक जाते हैं 5 सितंबर को कुछ डालते है क्या करेंगे क्या होगा सर, इतना कमजोर थोड़ा है, कोई व्यवधान पैदा करेगा उसे पीट भी देंगे सर, थोड़े छोड़ देंगे अच्छा थोड़े ये कितने इतने जनसमूह में कोई भी व्यवधान पैदा करेगा, कोई बम तो रख दो तो बात अलग है पर कोई छेड़ा छेड़ी करेगा उसे तो पीट भी देंगे, वहाँ तो सबसे बड़ी उसकी बात है मान सम्मान की है, कोई शराबी जाएगा उसका भी इलाज कर देंगे उसे भी छोड़ जाऊंगे, तो ये थोड़ा ये बात, इसमें तो किसी एक पार्टी की नहीं एक संगठन की नहीं एक नहीं, तो संयुक्त मोर्चा है 40 संगठन है, हमारे अतिथि आ रहे यहाँ से उनके उसमें कोई गुस्ताखी करेगा तो उसका इलाज भी कर लिया जाएगा, किसी एक बिरादरी की नहीं है, तो सरकार में ही तो बौखला रही कि भाई ये क्या हो रहा। चौधरी साहब जो पंचायत में जो मुद्दा क्या कृषि बिल को लेकर रहेगा या जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनका भी मुद्दा रहेगा? नहीं सामाजिक कुरीति तो हमारा तो लोकल है, सामाजिक कुरीतियों का तो ये तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दिक्कत है, वो तो वही रहेगी, उन्होंने वो पंचायत रखवाई अगर भाई मुजफ्फरनगर की भूमि पर हम 4-1 में पंचायत हो तो उन्हीं के आह्वान पर यह पंचायत है, हमने तो बस यहाँ से जो हमारे तक उनकी सेवा बनेंगे वह सेवा करेंगे और जगह है यहाँ से बस ही तक ही बात, और ना हमारी कुछ सुलह रहने की ना कुछ रहने की, जो कुछ निर्णय रहेगा संयुक्त मोर्चे का निर्णय रहेगा। तो ये ऐतिहासिक पंचायत है, ये पहली बार की जाती है 5 तारीख में जो नहीं पंचायत तो पहले भी होती रही, 1987 से ही पंचायत हुआ सिलसिला चल रहा, उसमें 11 अगस्त को हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह आए, उस बीच में फिर थोड़े से आगे चल के मुलायम सिंह यादव आए, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी आए, प्रधानमंत्री 1986 में 1996 में देवगौड़ा जी, तो ये तो सिलसिला जाता रहा, तो रमेश भंडारी हो जो कुछ भी कोई ऐसी बात तो है नहीं, तो यहाँ से मुजफ्फरनगर की तो ऐतिहासिक धरती सिसोली में भी सब ने अपना वो कराने का तो आए में और उनका सम्मान रहा, किसी की सब मेहमान नवाजी में सब लग रहे, तो इसी तरह की आए ना, हम कोई अलक्षणों की बात है ना कहीं की बात है भाई, उसके विरोध में ही तो हो रहा जो 9 महीने हो गए, 9 महीने 3 दिन आज उसे हो गए, तो हम 1-1 दिन गिन रहे, किसानों का भी काम धंधा होगा, कल हरियाणा में लाठीचार्ज होगी, एक किसान हमारे वहाँ भी जो बुजुर्ग थे हमारे में भी शहीद हो गए, तो एक तो बताओ क्या हम यही यही झेलते रहे,
इसी के लिए तो यू है, आखिर राज के शोक होता, कोई कोई राजनेता मर गया होता, कुछ होगा होता, और हमारे जो किसान है लट्ठू तक पीट के और उसकी मौत होगी, हो कुछ भी होना ठीक है, चल रहा था। जिस तरह सरकार का रवैया देखा जा रहा है किसानों के प्रति, कहीं ना कहीं लगता है कि तालिबानी की तरह एक, बिल्कुल हकीकत है, यही है, ये तो हम सोच रहे जने कोई कोई आवाज़ ही ना उठावे, कोई भी आदमी आवाज़ ना उठावे, बिल्कुल थारा ये एक मुश्त थारा राज रहे, तो ये तो हम थोड़े से उसमें जाग गए, यानी पता नहीं क्या होती बात, कितना वो नुकसान हो लगता है लोग। ये चीज़ तो आ रहा जी ने कही कि ये जो धरना है खत्म करना चाहते तालिबानी सरकार, इनकी जो साइड में तालिबानी है, हम तो धरना खत्म कर लेंगे, हमें कोई वो नहीं है, पर कुछ कम कर तो हम धरना खत्म करवाने की कुछ हमें आश्वासन दे, कुछ ये मानने बात, कुछ जैसे भी कुछ हो, ये तो संयुक्त मोर्चे की बात करेंगे तो यही, पर हम तो संयुक्त मोर्चे से भी यही कहूँ जा भाई, दो कदम तुम पीछे हटो, दो कदम सरकार पीछे हटे, सरकार का मुकाबला किस तरह तक कर सके, उन पर हथियार है सारी बात है, हम तो शांति के तरीके से आंदोलन का ही तो तरीका है जो हम उनका मुकाबला कर रहे, वैसे तो सरकार जी चाहिए आंदोलन को ख़त्म कर दे, पर हम तो यही कह रहे हैं भाई इसे बात को निपटावे, कुछ तो किसानों के लिए करें, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग दिक्कत है, गन्ने की समस्या यहाँ से पंजाब सरकार ने 50 रुपये क्विंटल बढ़ा दिया, क्या यहाँ नहीं हक बनता, बिजली के रेट है इतने आसमान छू गए, हम नहीं दे पाने के इतने, तो कहाँ कहाँ की बात उठावे, गन्ने के पेमेंट के हम मेहनत सहनत करके गन्ने की फसल को तैयार करें और फिर कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं पल्ला पड़ता, तो आवाज़ तो उठेगी, और इस आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं, दबाओ क्यों से तरीके थे व्यवहार थे से किसानों को समझाओ, कुछ समझाओ, कुछ इन्हें अनुदान दो, कुछ सहयोग करो, कुछ किसी न किसी रूप में तो कुछ तो करो, थोड़ा हम कुमाऊ जाएंगे इन्हें दो जाएंगे, नहीं चलेगा ये, 5 तारीख तक बाद में और क्या निर्णय लिया, क्या बात हो, किस तरह का निर्णय लिया जाए, तो उसकी बात उसमें देखेंगे, पहले तो हमारी निगाह 5 तारीख में है, 5 तारीख की पंचायत हम सफल बनवाओगे, इन लोगों को कह रहे बस इसी में हो। सरकार के खिलाफ जब किसान क्रांति शुरू हुई है तो क्या आगे रंग लाएगी किसान क्रांति? भाई रंग तो हमारे हाथ में, सरकार जो हम सरकार बना दे तो सरकार गिरा भी दे, तो जो हमारे सही वोट पड़ जाएगी तो सरकार के विपरीत वोट पड़ेगी तो सरकार हार जाएगी, हम लोग कहेंगे बेईमान ना करो, निष्पक्ष चुनाव करो, बेईमानी की जो झलक है इसमें हमने देखी प्रधान के चुनाव में, जिला पंचायत में और मुखी में किस तरह की इन्होंने धांधलेबाजी करी सबके सामने, हम लोग कहें निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ये जनता की आवाज़ को नू क्यों दबावे, जी कुछ ऐसा काम करो जो जनता जनता खुश हो, जनता है तो वोट की बात है, सब हमें तो वोट देनी, हमें तो चुनाव नहीं लड़ना, ये ठीक काम करेंगे इन्हें दे देंगे, दिए नहीं पहले, भाई पहले भी तो हमने ही तो वोट दी, जब इनका ये कारनामे गलत हो गए तो खिलाफ हो गए इनका, हमें कोई राजनीति नहीं करनी, कुछ नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।